वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड एम पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में मनमानी फीस वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को पेरेंट्स को बताना होगा कि किस मद में कितनी फीस ले रहे हैं। पेरेंट्स की शिकायतों पर जिला शिक्षा समिति को 4 हफ्तों में फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जागृत पालक संघ की याचिका पर दिया। जागृत पालक संघ मध्य प्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स को फीस की जानकारी देने के बाद ये जानकारी स्कूलों से जिला शिक्षा समिति को लेनी होगी। इसके बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को इस जानकारी को 2 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर किसी पालक को स्कूल से कोई शिकायत है तो वो जिला शिक्षा समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और समिति को 4 सप्ताह में इसका निराकरण भी करना होगा। जागृत पालक संघ के सचिन महेश्वरी, दीपक शर्मा, विशाल प्रेमी, स्वर्गीय देव खुबानी, प्रतीक तागर, धीरज हसीजा की तरफ से एडवोकेट अभिनव मल्होत्रा, मयंक क्षीरसागर व चंचल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। गौरतलब है कि ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूले जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन महेश्वरी व अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पहले पेरेंट्स की शिकायत पर जिला प्रशासन ध्यान ही नहीं देता था। अधिकारी अधिकार क्षेत्र नहीं होने के कहकर मामला टाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। अधिकांश स्कूल ट्यूशन फीस की आड़ में पूरी फीस ले रहे थे। बता दें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत राजस्थान के स्कूलों को दी है, वही राहत प्रदेश के स्कूलों को दे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूल संचालकों को कहा था कि निजी स्कूल पूरी फीस में से सिर्फ 15% की कटौती ही पेरेंट्स को दें, बाकी पूरी फीस पेरेंट्स को देनी होगी। अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने निजी स्कूलों की इस मांग पर आपत्ति लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया है कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है और निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस ले चुके हैं, इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी। जानकारी के मुताबिक वर्तमान सत्र में भी ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। वर्तमान सत्र में की गई फीस बढ़ोतरी, फीस के कारण पढ़ाई बंद करने, टीसी नहीं देने और परीक्षा परिणाम रोकने जैसी परेशानियों को लेकर जागृत पालक संघ ने अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई है। इस मामले पर सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होना संभावित है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.